नमस्कार भैया बहनी, प्रपंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। एक ही जहां सलगा देश माही नवरात्रि त्योहार के धूम हवे, तो वहीं नई घड़ी थाना क्षेत्र के अष्टभुजा धाम के लगे नवरात्रि के महीना में खोले जाए वाली नई शराब के दुकान के विरोध जोर शोर से हो रहा हवे। अपना को बता दें कि मॉडल स्कूल कन्या छात्रावास अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर के नियरे तिराहा माही शराब के दुकान के अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने साथियों के साथ नई गढ़ी तहसीलदार का ज्ञापन दे के शराब के दुकान का बंद करवावे के मांग करी ही बे। मैं तहसीलदार साहब को बोल रहा हूँ, और जैसा कि तहसीलदार महोदय ने बोला है कि हमने कल वहाँ का पटवारी को भेज के उसका प्रतिवेदन मंगा लिया है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ बात बात पे धार्मिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे तलवारें खींचने वाले लोग क्यों मौन है, किसका डर है? अष्टभुजा माई सबकी आस्था से जुड़ी हुई है, नवरात्रि का महीना, जहाँ पे अगर कहीं ऐसे स्थानों के आसपास मदिरा और मांस की दुकानें रहती हैं वो बंद हो जाती हैं, नवरात्रि के पावन पुनीत महीने में इस तरह का जो कृत्य किया गया है हम उसका विरोध करते हैं। और एक हफ्ते बाद एक जंगी आंदोलन होगा जिसकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की, जिला प्रशासन की और आबकारी अमले की रहेगी। रीवा के नई गढ़ी तहसील माही पदस्थ पटवारी 1500 रुपया के रिश्वत ले पकड़ेगे। बतावागा के शिकायतकर्ता रमा निवास तिवारी ग्राम खूज कटरा नई गढ़ी के शिकायत माही राम नरेश रावत सर्किल रामपुर तहसील नई गढ़ी का रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लेन का हवे। आरोपी पटवारी के प्राइवेट कार्यालय कक्ष के समूह देवतलाव तहसील के नई गढ़ी माही यह कार्रवाई की गई हवे। इधर के पुन के विराट 24 न्यूज के दिखाई खबर के असर रहा, जहां कोरेक्स बेचे वाली महिला के वीडियो वायरल होए के बाद पुलिस महिला के ठिकाना माही दबिश दई के दुकान से 1870 सीसी नशीली कप सिरप का बरामद करी नहीं बे। यह वीडियो सगरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के बताई गए, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश माही कार्रवाई कई के महिला के खिलाफ मामला दर्ज की इनका हबे। आज सुबह सगरा थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा कोरेक्स बेचने की जानकारी आई थी, आप लोगों के माध्यम से वो वीडियो प्राप्त हुआ था, तत्काल उस वीडियो को थाना प्रभारी को भेजकर निश्चित किया गया, इस पर तत्काल एक्शन लें तो उनको पकड़ लिया गया है। उनके पास से 17 बोतल कोरेक्स की बरामद हुई है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और उनसे अभी इंटरोगेशन किया जा रहा है कि ये आप माल कहां से लाए हैं। रीवा जिला के पनवार थाना क्षेत्र के नैतर गांव माही कुछ लोग मिलके एक युवक के साथ लाठी डंडा और राड से मारपीट कर दी। अपने बताए दी कि घायल मूल चंद्र प्रजापति उम्र 40 साल जौन के किसानी करत हमा भैंसी चरावे खातिर विवाद होगा। बतावा जात है कि भैंस चरावे खातिर विवाद भा, जहां घायल का संजय गांधी अस्पताल पहुंचावा का हबे, जहां उनका इलाज की इंजाला हबे। ग्राम नैतर पोस्ट अंधवा तहसील जवाद पनवार थाना। क्या घटना हुई है? घटना ये, हमारे चाचा श्री को भैंस खेती बाड़ी काम करते, भैंस चलाने के चक्कर में इनका मतलब जान से मतलब मारने की धमकी तो पहले से दे रहे थे, बाद में इन्होंने भैंस के चक्कर भैंस खेदने के शाम के टाइम गए थे तो उनको लाठी मतलब पहला शिव प्रसाद जो चाचा ही लगते हैं वो पहले इनको वार किया और गाली दे के पिताजी को भी गिरा के आ गया बहन चोद आज आ बाबा, तो बाबा भी आ गए, जयलाल उनका नाम है। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश माही शराब माफिया विपिन जायसवाल के घरे का जमी दोज कई दिन का। माफिया सरकारी जमीन माँ अपन घर बनाए रहा। बताए दी कि शराब माफिया विपिन जायसवाल के ऊपर 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हमा, वहाँ आबकारी एक्ट में फरार बताए जात हमा, आई देखी कार्रवाई। खबर रीवा से है, जहां अमहिया थाना प्रभारी स्टाफ के साथ घेराबंदी कई के सातिर मोटरसाइकिल चोर का गिरफ्तार कर ली नहीं, जेके कब्जा से 3 मोटरसाइकिल बरामद भई। सातिर चोर लाला उर्फ सचिन गुप्ता पिता संतलाल गुप्ता उम्र 20 वर्ष
पांडन टोला के रहे वाले आही जेके लगे से करीब 1.5 लाख रुपया के कीमती मोटरसाइकिल बरामद भई बे। मामला ये सचिन गुप्ता है, लाला उर्फ लाला गुप्ता, पिता संतलाल गुप्ता। इससे हमने 3 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं चोरी की, जो अलग अलग स्थानों से इसने थाना क्षेत्र के चुराई थी और अलग अलग स्थानों पर छुपा कर बेचने की नीयत से रखा हुआ था। दबिश पर जो है 3 स्थानों से गाड़ियां जब्त की गई हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चोराटा थाना क्षेत्र के मध्यपुर माही विद्युत वितरण केंद्र चोराटा के जेई और वहां के लाइनमैन के लापरवाही के नतीजा यह भा कि 11,000 वोल्ट के लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण किसानन के खून पसीना से सींची फसल जल के राख हुई गई। इस घटना माही पुष्पेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, हीरामणि तिवारी और दुर्गा प्रसाद तिवारी के 2 एकड़ में खड़ी गेहूँ के फसल बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण जल के राख हुई गई है। कब आग लगी है? कल आग लगी 1:30 बजे दोपहर को, बिजली के साथ सर्किट से आग लगी है। 1 एकड़ का पूरा गेहूं जल गया है, कटा हुआ पुली बांधी हुई रखी थी। हाँ। जी हम जो है तो लाइनमैनों को जो है यादवेंद्र सिंह है और तीरा सिंह है और जो है तो 6 महीने पहले बताए थे कि साहब मूड़े में अड़ रही है, बोले थे बन जाएगा और आज लाइट बनाए हैं, जब हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई तब। और 11,000 फसल करीबन 1.5 से 2 एकड़ की नुकसान हो गई। काहे से आग लगी है? आग लगी है। कितने बजे की घटना है ये? करीबन 1:30 बजे आग लगी, जिसमें 2:30 बजे करीबन काबू पाया गया है। खबर रीवा से है, जहां शराब के नशा माही गाड़ी चलावत युवक मोटरसाइकिल सवार का टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर रही के गाड़ी डिवाइडर से भिड़ के चकनाचूर हो गए। बतावा जात है कि कार चालक सवार काले चौराहा से पीके स्कूल का जात रहा, अचानक बाइक का टक्कर मार दी। ये घटना के जानकारी होता है आसपास के लोग पहुंचे, कार डिवाइडर के बीच में फंसे मोटरसाइकिल सवार का अस्पताल पहुंचाई नहीं गए। रीवा जिला के सिमरिया तहसील में आवे वाले खारा पंचायत के कुमरा के छात्रन के परीक्षा हो रही और वो अपने घरे में आराम फरमाए रहे हमा। उनके जगह दूसर विद्यालय के छात्र परीक्षा हाल में बैठ के परीक्षा दे रहे हमा, जबकि सलगा शिक्षा विभाग मौन हबै। वह जब ये घटना के खुलासा भा तो मैडम जी डंडा लेके खेद लिहिन। आई दिखाई सलगी घटना के कौन मेर से शिक्षा माफिया शासकीय विद्यालय में काम कर रहे हबा। नहीं उन्हें नहीं, बाहर का है, बाहर का दिक्कत का क्यों, दिक्कत क्या भाई? जो छठवीं जो छठवीं नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। हम जो छठवीं पढ़ रहा है उस लड़के को पहले बात क्या, मैं देख चुका हूँ। हाँ हम बिल्कुल देख रहे हैं, हम मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। मेरी वही औकात की ही बात है, जो छठवीं पढ़ रहा है उसको बाहर करो पहले। छठवीं पढ़ रहा बाहर? नहीं नहीं नहीं, छठवीं वाले लड़के को पहले बाहर करो। नाम कहा तुम्हारा? क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, नाम कहा तुम्हारा? इसी का पेपर। पेपर कहाँ है? पेपर उसका भाई देने आया। कौन दे रहा था? कौन सा भाई? एक या लाला ये पेपर दे आ रहा है, तुमसे पेपर दे नहीं बने। खबर तेउथर तहसील के अंतर्गत चाक घाट के हबै, जहां से दिव्या नामदेव अपन जमीन में अपन घर नहीं बनवा पाए रही आहीं। इतने नहीं स्थानीय सरहंग से परेशान हुई के बीते दिना वो अपन शिकायत लेके पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची रही। पैके बादो ये मामला माही कोनो मेर के कार्रवाई नहीं भय। एक कारण अतिक्रमणकारी के अभाव सला बुलंद हमा। वेतन देना है मुझे अतिक्रमण के मामले में। क्या अतिक्रमण कहाँ क्या किया गया? सर हमारे यहाँ अतिक्रमण किया गया है और हर जगह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो कि हमारे पास MPRDC से आदेश, तहसीलदार से आदेश, SDM के यहाँ से भी आदेश है, और जबकि उसमें भी आदेश होने के बावजूद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। तो इसके पहले और कहाँ कहाँ शिकायत की इसकी आप? हमने कई बार कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत किए हैं और सर कमिश्नर ऑफिस में भी किए हैं, SDM सर के पास, तहसीलदार के पास कई बार गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, आदेश होने के बावजूद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।